आज हम आए हुए हैं सेवियर सोसाइटी गाजियाबाद में, जो कि मुद्दा है यहाँ पर चुनाव का। चुनाव के पक्ष में और विपक्ष में बहुत लोग हैं यहाँ पे। लोग चाहते हैं कि चुनाव हो निष्पक्ष, तो मैं बात करना चाहूँगा। पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रभात कुमार है, मैं यहाँ 2013 से रह रहा हूँ। ये सोसाइटी 2013 से तैयार हो गई है और 2016 में इन लोगों ने अपना एक KOA बनाया, इसलिए कि मैं बिल्डर के साथ फाइट करके जो बेसिक सुविधाएं चाहिए हम पब्लिक को वो करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक के लिए बेटर हो, बल्कि आप अगर देखें तो पिछले 5 साल में हमारी सोसाइटी की सुविधाएँ डिटोरिएट हो गई है। ये बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, बिल्डर इनको ओकेजनली किसी न किसी रूप में ऑब्लाइज करता रहता है। इस वजह से ये बिल्डर के खिलाफ कभी कुछ ना तो लिखते हैं ना बोलते हैं, और हमेशा कहते हैं कि हम बिल्डर से फाइट कर रहे हैं। अभी इलेक्शन होने जा रहा है, 28 तारीख को हमारी सोसाइटी में इलेक्शन है। हम लोग का एक ही मांग है कि इस इलेक्शन को पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। इनकी कोशिश है कि किसी तरह से इस इलेक्शन को कैंसिल करवा दिया जाए, कोई न कोई बहाना बना के। लेकिन हम लोग इस पक्ष में हैं, हमारे सोसाइटी के मैक्सिमम लोग इसी पक्ष में हैं कि इलेक्शन हो, बट वो पारदर्शी इलेक्शन हो। जो असिस्टेंट ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं वो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जो डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ है, जिनके द्वारा ये इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है, उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे नियम हैं जिसका यहाँ पे पालन नहीं किया गया है, और हमें ये भी आशंका है कि अगर वो लोग चुनाव हार गए तो इसी आधार पे जो ये इलेक्शन को कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो मैं पहले आपके द्वारा ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रशासन है, लोकल प्रशासन, डिप्टी रजिस्ट्रार और इवन कि CM ऑफिस तक इस चीज़ को सीरियसली लें और हमारी सोसाइटी में पारदर्शी चुनाव कराने की कोशिश करें, ताकि यहाँ 970 रेसिडेंट फैमिली रह रहे हैं उनका भला हो और हम लोग अच्छी जिंदगी जी सके यहाँ पे। धन्यवाद जी। जैसे कि हमारे साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं, मैं पहले नाम जानना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे लिस्ट लगने वाली थी उसके बारे में क्या हुआ। सर, मेरा नाम आमिर अहमद है, मैं इस सोसाइटी का रेजिडेंट 2016 से हूँ। कल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरी कार्यक्रम की पूरी प्रोसीजर लिखा हुआ है। 24 तारीख को 2 बजे यहाँ पर लिस्ट लगनी थी फाइनल कैंडिडेट्स की, अनफॉर्चुनेटली वो भी अभी तक पब्लिश नहीं की गई है। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ये हम नहीं जानते, या तो ये डिप्टी रजिस्ट्रार ने रोकी हुई है लिस्ट, या फिर जो ऑब्जर्वर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं उन्होंने रोकी हुई है। सेम इसी तरीके से हमारे पास में मेंबरशिप के लिस्ट भी रोकी गई थी। हर प्रोसीजर में एक एक करके सारे प्रोसीजर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान रेजिडेंट्स का होगा कि कल को चुनाव